इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 और सर्कुलर मोशन का पार्ट 2। ऑलरेडी मैं आपको सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 एक्सप्लेन कर चुका हूं और वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के टाइप आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वहां कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहां इसकी डायरेक्शन के केसेस क्या क्या होंगे और कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे। दूसरा मैंने वहां आपको एक्सप्लेन किया था एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, वो भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसके भी डायरेक्शन के लॉजिक आपको वहां मैंने सिखाए थे। और मैंने उस सेशन के अंदर कवर किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और इन पर बेस मैंने थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी वहां कवर किए थे। तो अब मैं आपको सर्कुलर मोशन जो मैंने आपको पार्ट 1 कराया था उसके बाद के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो वीडियो के अंदर आपको कवर करूंगा सर्कुलर मोशन के अंदर एसेलेरेशन की स्टडी, ठीक है। एक्चुअल में सर्कुलर मोशन के अंदर चार टाइप के हमें एसेलेरेशन पढ़ने होते हैं। पहला सेंटीपिटल एसेलेरेशन यानी अविकेंद्रीय त्वरण, दूसरा टेंजेंशियल एसेलेरेशन यानी स्पर्शीय त्वरण, और थर्ड नेट एसेलेरेशन यानी परिणामी त्वरण, और फोर्थ एंगुलर एसेलेरेशन यानी कोणीय त्वरण। ये चारों के चारों एसेलेरेशन की स्टडी होना नेसेसरी है। डिफेंस में कहीं ना कहीं किसी न किसी साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन एसेलेरेशन के कॉन्सेप्ट से, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको एसेलेरेशन की एक डीप स्टडी कराऊंगा और डायरेक्ट मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कवर करूंगा कि एसेलेरेशन के अंदर आप अगर मेरा लेक्चर देखते हैं तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप एसेलेरेशन का नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो एसेलेरेशन के अंदर सबसे पहला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन, दैट इज अभिकेंद्रीय त्वरण, देखो ये मेरे पास एक यहां सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है ओ और ये सर्कल की रेडियस है आर, क्लियर। स्टार्टिंग में जब मैं आपको सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 के अंदर जब मैं आपको सर्कुलर मोशन की स्टडी करा रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी वेरिएबल होती है किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर यानी एक समान वृत्त गति के अंदर, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी सर्कल के हर पॉइंट पर वेरिएबल होती है यानी चेंज होती है, ठीक है। तो देखो कैसे, अगर मान के चलो मेरे पास एक एम मास का बॉडी है और वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, तो मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है। अगर वो अब यहां पे आ गया तो यहां पर डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटी की, यहां पे और यहां पे और यहां पे, ठीक। तो देखो हमेशा सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता है। देखो यहां जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी वी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी वी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी वी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है उस पर आप क्या करेंगे, सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वही टेंजेंट आपकी क्या बताएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता हूं। वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। वेलोसिटी को वेग कहते हैं लेकिन एक्चुअल में ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर यानी सदिश राशि है। अगर ये वेक्टर है तो ये बात क्लियर है कि
इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता होगा यानी परिणाम परिमाण, और दूसरा इसके पास होता होगा क्या, डायरेक्शन यानी दिशा, दोनों चीज होती होंगी। लेकिन देखो जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं बोल रहा हूं स्पीड, क्या बोल रहा हूं उसको स्पीड, ठीक है, और जो डायरेक्शन है उसको बोल रहा हूं मैं वेलोसिटी, ठीक। तो ध्यान से सोचना कि जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, परिमाण उसको मैं बोल रहा हूं स्पीड, और जो डायरेक्शन है उसको मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी, ठीक। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, 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 यानी सर्कल के हर पॉइंट पर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं वेलोसिटी की चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो, तो स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल यानी चेंज। ये बताओ कोई प्रॉब्लम? अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यहां क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा त्वरण, उसे बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अवकेंद्रीय त्वरण, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हम एसी से डिनोट करते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज एसी। अब देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास अपनी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, एयर फोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो देखो इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है यानी टुवार्ड्स सेंटर, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। देखो ये यहां इसका सेंटर है, ठीक। अब देखो ये वेलोसिटी है, तो अब जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी इस तरीके से, दैट इज एसी। क्या होगी, वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। देखो आप एसी की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो जो एसी है इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एसी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आपको ड्राइव नहीं करना, आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एसी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि इस वेलोसिटी यानी जो वेग है ये और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा, आपको बताना है। आप देखो ये रहा एसी, ये रहा वी, ठीक है। आप देखो ये रहा एसी, ये रहा वी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, तो देखो आप कैसे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो एंगल कितना होगा 90, दैट इज पाई बाई टू। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वो कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री, यानी और पाई बाई टू। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है वो पाई बाई टू या 90 होता है, और एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। अब देखो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में, यानी कोणीय वेग की टर्म में। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में यही तो रिलेशन पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, v बराबर r ओमेगा। अब देखो v की जगह पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r खत्म, तो क्या निकल के आ गया, r ओमेगा स्क्वायर। तो देखो आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का
एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में एक रिलेशन निकल के आ गया, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, एक तो हो गया ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले ये आ गए, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें पता लगे कि ए सी और वी के बीच में एंगल कितना होगा, और ये हमें याद रखना है कि सेंटीपिटल एसिलेशन की डायरेक्शन किधर होती है, यानी सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, अब ये नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टेंजेंशियल एसिलेशन एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो टेंजेंशियल एसिलेशन यानी स्पर्शीय त्वरण, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेंटीपिटल एसिलेशन यानी अविकेंद्रीय त्वरण, वहां मैंने आपको बताया था कि किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन उस बॉडी का हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन से मेरा मीनिंग है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड से मेरा मीनिंग है स्पीड। ठीक है, तो अगर स्पीड कॉन्स्टेंट हो और उसकी वेलोसिटी चेंज हो हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में, तो वहां वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एसिलेशन भी चेंज होगा, और उस एसिलेशन को हम बोल रहे हैं सेंटीपिटल एसिलेशन। लेकिन टेंजेंशियल एसिलेशन का मीनिंग क्या है? एक ऐसा एसिलेशन जिसके अंदर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस बॉडी का स्पीड भी चेंज हो और उस बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगा, और दूसरी बात मैंने यहां बोल दिया उसकी स्पीड भी क्या हो रही हो, चेंज। अब स्पीड चेंज होने से मतलब क्या है? स्पीड चेंज होने से मतलब है कि या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या उसकी स्पीड घट रही होगी। मतलब टेंजेंशियल एसिलेशन के अंदर हमें दो केस पढ़ने हैं, जब स्पीड बढ़ रही हो तब कंडीशंस क्या बनेंगी, और जब स्पीड घट रही हो तब कंडीशंस क्या बनेंगी। ठीक है, तो देखो टेंजेंशियल एसिलेशन का मीनिंग होता है कि ये मेरे पास देखो सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो उस बॉडी का हमेशा स्पीड क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज। अगर मैग्नीट्यूड बोले तो स्पीड चेंज होगा, प्लस उसकी जो वेलोसिटी है यानी डायरेक्शन वो भी क्या होगी, चेंज। इसकी वजह से जो एसिलेशन जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एसिलेशन। क्लियर, टेंजेंशियल एसिलेशन। तो टेंजेंशियल एसिलेशन के अंदर स्पीड भी चेंज होती है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। सेंटीपिटल एसिलेशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है। ये माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक, अब देखो स्पीड इसमें क्या हो गई, चेंज, और वेलोसिटी भी इसमें क्या हो गई, चेंज। ऐसे एसिलेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एसिलेशन। अब देखो मैंने आपसे बोला था चेंज होने का मतलब क्या है, चेंज होने के दो केसेस हैं, या तो उस बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो या उस बॉडी की स्पीड घट रही हो। तो मैं बोल सकता हूं यहां से दो केस पढ़ने हैं। पहला केस पढ़ना है अगर बॉडी एसिलरेटेड हो रही हो, क्या हो रही हो, एसिलरेटेड। अब एसिलरेटेड का मतलब होता है हिंदी में त्वरित, क्या होता है, त्वरित। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, वो क्या हो रही हो, इंक्रीज, क्या हो रही हो, इंक्रीज। एक तो केस ये पढ़ना है। दूसरा केस इसमें हमें पढ़ना है कि बॉडी की स्पीड डी एसिलरेट हो रही हो, क्या हो रही हो, उसकी वेलोसिटी डी एसिलरेटेड। डी एसिलरेटेड का मतलब है रिटार्डेशन, क्या मतलब है, रिटार्डेशन। मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही हो, घट रही हो। सिंपल, तो दो केस मुझे को आप बताने, तो एसिलरेटेड का केस आपको एक्सप्लेन करना है, एक आपको मुझे डी एसिलरेटेड का एक्सप्लेन करना है कि जब उसकी जो स्पीड है वो घट रही हो बढ़ रही हो, तब आपको टेंजेंशियल एसिलेशन के लॉजिक सीखने हैं। तो देखो पहला केस, जब सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी एसिलेट हो रही हो, अब एसिलेट का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ रही हो। मान के चलो यहां इस पॉइंट पर बॉडी की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एसिलेट होने का मतलब क्या है, बढ़ना, और अब इस पॉइंट पर हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, अब इस पॉइंट पर हो गई 50 मीटर पर सेकेंड,
अब इस पॉइंट पर हो गई 70 मीटर पर सेकेंड और इस पॉइंट पर हो गई अब 90 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो देख रहे हैं आप उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, एसलेटेड हो गई बॉडी। और देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज, मतलब इस तरीके से होगी, ये होगी वी वेलोसिटी। इस पॉइंट पर क्या होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये देखो, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस पर क्या होगी, ये। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस केस के अंदर स्पीड भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यहां जो एसलेशन जनरेट होगा उसे मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एसलेशन। क्या बोलूंगा? टेंजेंशियल एसलेशन। अब एसलेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल एसलेशन की। चाहे सेंटीपिटल एसलेशन हो, चाहे टेंजेंशियल एसलेशन हो, या नेट एसलेशन हो, या एंगुलर एसलेशन, कोई भी एसलेशन हो, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और आपको इनके डायरेक्शन के केस आने चाहिए। ठीक है, तो देखो टेंजेंशियल एसलेशन की डायरेक्शन किधर होगी, जब बॉडी एसलेट हो रही हो यानी उसकी स्पीड बढ़ रही हो, तब उसकी जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल एसलेशन की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ये बात इंपॉर्टेंट, यानी एटी मतलब टेंजेंशियल एसलेशन, तो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में एसलेशन यानी टेंजेंशियल एसलेशन की डायरेक्शन होती है जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही होती है। यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा वो ये है कि एटी और बी में मतलब एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो थीटा यानी एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एटी एंड वी, वो कितना होता है, थीटा होता है दोनों के बीच में 0 डिग्री। कब? जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो, उस केस में। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरा केस ये है कि अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही हो, ठीक है, यानी मान के चलो अब 10 नहीं है, यहां मान लेते हैं इसको 90 मीटर पर सेकेंड, यहां मान लेते हैं इसको 70 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 50, इसको मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल में आके आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तुम देखो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, डीएसेलेरेट हो रही है बॉडी, और इस उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है पॉइंट पर चेंज होगी। तो इस केस के अंदर कौन सा एसलेशन जनरेट होगा, टेंजेंशियल एसलेशन, क्योंकि देखो स्पीड भी चेंज हो रही है, घट रही है, और वेलोसिटी उसकी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो यहां भी एसलेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एसलेशन। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अब एसलेशन की, टेंजेंशियल एसलेशन की, यहां जो डायरेक्शन होगी इस केस में वो टेंजेंशियल एसलेशन की जस्ट अपोजिट होगी। क्या होगी? जस्ट अपोजिट वेलोसिटी के, यानी अब डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। जब वेलोसिटी बढ़ रही हो किसी बॉडी की, अगर जो बॉडी इसके अंदर मूव कर रही है अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो जो टेंजेंशियल एसलेशन की डायरेक्शन होगी वी की तरफ होगी, लेकिन जब घट रही हो तब बी से जस्ट अपोजिट होगी। तो इस केस में जो एंगल होगा वो क्या होगा, इस केस में जो थीटा होगा वो होगा पाई या 180 डिग्री। कब? जब वी घट रहा हो, उसका यानी स्पीड क्या हो रही हो, घट रही हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इस केस में एंगल 0 डिग्री होगा जब स्पीड बढ़ रही हो, ठीक है, टेंजेंशियल एसलेशन और वेलोसिटी के अंदर, और इस केस में थीटा कितना होगा, पाई और 180। ठीक, अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि टेंजेंशियल एसलेशन और सेंटीपिटल एसलेशन में एंगल कितना होगा, दोनों में एंगल कितना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मेरे पास सर्कल है और हमें पता है ये इसका सेंटर है, ये इसकी आर रेडियस है। ठीक है, ये इस पॉइंट पर यहां बॉडी है, तो इस पर जो एसलेशन होगा, ठीक है, वो हमेशा टेंजेंशियल एसलेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। अब आप देखो ये टेंजेंशियल एसलेशन, और सेंटर की तरफ लगने वाला एसलेशन क्या होता है, सेंटीपिटल एसलेशन। अब आप देखो सेंटीपिटल एसलेशन और टेंजेंशियल एसलेशन में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमेशा सेंटीपिटल एसलेशन के अंदर और टेंजेंशियल एसलेशन के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा, 90 डिग्री होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटीपिटल एसलेशन और टेंजेंशियल एसलेशन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो
अब मैं आपको यहां बताऊंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई टू, और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में होती है आर ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है ए टी बराबर डी बाई ओवर डी टी मॉड बी। ठीक है, ये आपको इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है डी बाई ओवर डी टी मॉड बी। ठीक है, v यहां पे क्या है वेलोसिटी, और मॉड ले रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं स्पीड की। ठीक, ये सभी केसेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के हैं। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी जनरेट होगा जब स्पीड घट रही हो या बढ़ रही हो, मतलब स्पीड चेंज हो रही हो। तो क्या ये हमेशा पॉसिबल है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? हमेशा पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल है जब बॉडी की स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो। लेकिन क्या सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हमेशा पॉसिबल है? यस, उस केस में तो स्पीड जो कांस्टेंट रहे उस केस में सेंटीपीटल हमेशा होगा। मतलब मेरा मीनिंग ये है कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा नहीं होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही या घट रही हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर क्वेश्चन आए कि इसमें से कौन सा एक्सेलरेशन हमेशा पॉसिबल होगा, ऑप्शन दे रखा हो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोथ नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या होगा? सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी होगा जब बॉडी की स्पीड घट या बढ़ रही हो, मतलब चेंज हो रही हो। ठीक, ये नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेट एक्सेलरेशन। अब देखो नेट एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है परिणामी त्वरण हिंदी में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो होता है उस केस में जो स्पीड है यानी मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, और जो वेलोसिटी है यानी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। वहाँ जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, लेकिन सेम कंडीशन यहाँ है, नेट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इन दोनों के चेंज होने की वजह से यहां भी नेट एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक, तो देखो ये मेरे पास सर्कल है, एक ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है O और इसकी रेडियस है R। ठीक, तो मैंने कंडीशन क्या बोली है कि इस केस में क्या हो रही हो, स्पीड भी क्या हो रही हो चेंज, और उसकी वेलोसिटी यानी डायरेक्शन वो भी क्या हो रही हो चेंज। तो इन दोनों की वजह से, दोनों के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलरेशन, दैट इज ए नेट। ठीक, तो देखो मान के चलो ये बॉडी यहां पे है और इस बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसका उसी डायरेक्शन में उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अगर घट रही है तो उसे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इधर वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। ठीक, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अब देखो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में से होके यानी जस्ट रिजल्टेंट क्या कहलाता है? नेट एक्सेलरेशन, यानी इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के जस्ट बीच में से होके इसे हम बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ए नेट बराबर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, ए नेट बराबर रूट अंडर रूट सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, मान के चलो मैं ए टी की तरफ से यानी फ्रॉम द साइड ऑफ ए टी यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ से मैं इस एंगल को, ये वाला एंगल
बाहर वाला एंगल, 80 की साइड वाला एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इसको थीटा। और अब मुझसे थीटा निकलवा रहा है कि थीटा कितना होगा, ठीक है। यानी ये फिगर कुछ ऐसा है, देखो, यानी ये फिगर कुछ ऐसा है, इसको ध्यान से देखो इस तरीके से, मतलब ये आपका हो जाएगा AT और ये आपका है AC और इन दोनों के जस्ट बीच में से होके जो जा रहा है उसे हम बोल रहे हैं नेट एक्सेलरेशन AT। और जो थीटा है वो किधर, कौन सा है, AT की तरफ वाला, ये है आपका थीटा एंगल, ठीक है। ये कंडीशन है, तो हमसे थीटा निकलवा रहा है कितना होगा, तो थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम द साइड ऑफ 80, ठीक है। तो देखो थीटा निकल जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे tan थीटा बराबर y अपॉन x, और y में क्या है AC और x में क्या है 80, तो आपका tan थीटा क्या निकल के आ जाएगा, AC अपॉन 80, ठीक है। तो यहां से tan थीटा भी निकल के आ गया AC अपॉन 80, ठीक है। तो ये आपका होता है नेट एक्सेलरेशन, ठीक, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, ठीक। एक्चुअल में एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, अल्फा से, ठीक। अल्फा होता क्या है, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो देखो एक चीज देखो आप, मैंने आपको जब सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ाया था वो क्या होता था, dv/dt, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता था। अब इस एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं और इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा बराबर ये क्या था, लीनियर वेलोसिटी, और यहां क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है, ओमेगा, dω/dt, यहां ये फॉर्मूला निकल के आ गया dω/dt, ठीक है। और देखो एंगुलर एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पहला एवरेज यानी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन यानी औसत कोणीय त्वरण, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्षणिक कोणीय त्वरण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्फा एवरेज से और इसको हम बोलते हैं अल्फा इंस्टेंटेनियस से। ये बात मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो अल्फा एवरेज आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, δω/δt, ठीक है। और अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, बहुत छोटे टाइम के लिए, वो क्या हो जाएगा, dω/dt, ठीक है। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ω2 − ω1/T2 − T1, ठीक है। ये आ गए आपके अल्फा एवरेज के फॉर्मूले और ये आपके आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, ठीक। अब देखो ये आपका पूरा फिनिश हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन के जितने भी लॉजिक थे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। अब इसके बाद में यहाँ से आगे के कॉन्सेप्ट आपको सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।